नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। एक बार हम इसके महम की बावड़ी के विषय में पहले भी वीडियो बना चुके हैं और आज फिर मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो दोस्तों मुझसे रहा नहीं गया। तो देखते हैं कि आज भी क्या वही है या कुछ चेंजेस आए इसके अंदर। तो भाई, ये महम रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और हिसार और रोहतक के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में पड़ता है ये। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर का नज़ारा हम देखते हैं क्या क्या चेंज हुए हैं। तो दोस्तों, ये है माहौल यहाँ का और काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है यहाँ पे। पहले पानी नहीं था नीचे, भाई पानी आ चुका है दोबारा से और काफ़ी नीचे तक हम गए थे लास्ट टाइम पे, और लास्ट में एक कुआ पड़ता है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। और जबकि ये जो माहौल है ना, मतलब पहले की तुलना में थोड़ा सा चेंज है, बस बिल्कुल थोड़ा सा। चलिए घूमते हैं यहाँ के आसपास के एरिया के अंदर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूँगा डिटेल्स दिखाने के लिए। काफ़ी पुरानी बावड़ी है ये और हरियाणा की पहचान भी है भाई, और हरियाणा के वीरों Make की a भी पहचान U-turn. है। तो भाई यहाँ पर बैठने के लिए काफ़ी अच्छा पार्किंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो भाई ये है कुआं और आवाज़ भाई एक हो रही है यहाँ पे काफ़ी। तो है तो ये काफ़ी गहरा भाई, नो डाउट, क्योंकि आज का नहीं है ये कुआं। और भाई पहले के वक्त में जब पानी की सुविधा ही नहीं होती थी तो अपने पुराने वक्त के अंदर ये बावड़ियाँ बना दी जाती थी ताकि पानी को संजो कर रखा जाए और लोगों की जो पानी की जो प्यास और उनकी आपूर्ति कंप्लीट की जाती थी बावड़ी के ज़रिए। तो ज़्यादातर ये आपको राजस्थान की तरफ भी देखने को मिलती है, राजस्थान में भी काफ़ी बावड़ियाँ हैं और एक प्रकार से ये बावड़ी बनाने का एक जो संकल्प होता था, ज़रूरत होती थी, वो थी पानी को एक साथ इकट्ठा करने के लिए। तो भाई यहाँ से एक बहुत रोमांचक कहानी जुड़ी हुई है, जो कहानी इस तरीके से है। लोकल कहानी में इसके बारे में बताया जाता है कि जानी चोर और उसकी बावड़ी से बहुत सी बातें हैं आज तक। कहा जाता है कि एक बार यहाँ पर पूरी की पूरी बारात इस बावड़ी के अंदर भाई गायब हो गई थी। उसके बाद यहाँ इसका ना नीचे से अंडरग्राउंड एक रास्ता होता था, जो बोला जाता है कि यहाँ से करीब महम से सीधा रास्ता निकलता है हिसार, और हिसार के अंदर भी एक गुफा है जो सीधा इधर आता है। तो बोला जाता है कि पूरी की पूरी बारात यहाँ से गायब हो गई थी भाई। तो तब से ये फेमस भी है और इसके पीछे एक किस्सा भी जुड़ा हुआ है, जो किस्सा इस तरीके से कि ज्ञानी चोर से लेके, जो ज्ञानी चोर था अपना, वो काफ़ी भाई महारत हासिल थी उसको, कि जैसे ही वो चोरी करके लेके आता था तो बताया जाता था कि वो डायरेक्ट अपने घोड़े से, उस टाइम ये घर नहीं होते थे भाई, आसपास खेत होते थे, जंगल होते थे, आज तो यहाँ पर रिहास बन चुकी है चारों तरफ। उस टाइम ये रिहास रिहास वगैरह बिल्कुल नहीं थी इधर, और आज तो हर तरफ लोग ही लोग हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल बियाबान जंगल माना जाता था। और यहाँ पर ये जो एरिया था, इस एरिया में जानी चोर ने अपना ठिकाना बना रखा था। जैसे बोला जाता है कि जैसे वो चोरियाँ करके लेके आता था तो उसका एक लौता रास्ता था यहाँ पर। रास्ता ऐसे था कि जैसे कोई उसके पीछे पड़ता था ना, पीछे पड़ने के बाद वो अपने घोड़े को पता नहीं भाई कैसे, उस टाइम का क्या माहौल था क्या नहीं था, सिर्फ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि काल्पनिक दृश्य बना सकते हैं अपने मन के अंदर ऐसा होता होगा, बट रियलिटी तो देखो हमारे सामने होती तभी हमें ध्यान में ले सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो बोला जाता है कि
जैसे वो धन चुरा के लेके आता था, और उसके अंदर एक खासियत थी, वो धन उसी का चुराता था जो वही गलत इंसान होते थे, और जो गरीबों का पसीना मेहनत का खून चूस कर है ना पैसा इकट्ठा करता था। तो ज्ञानी चोर उसी के घर में से वो चोरियां करके लेके आता था, और चोरियां करके भाई उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट था कि जैसे ही उसके कोई पीछे लगता था ना, तो वो अपना घोड़ा लेके डायरेक्ट इस बावड़ी के अंदर जंप लगा देता था। और पानी के अंडरग्राउंड एक रास्ता है जो कि भाई उसी को पता है इस चीज़ के बारे में। और मैं बता दूं आपको, ये पानी बहुत ज़्यादा साफ है, ऊपर लीचन है, और यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ इस पानी को। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर जो ये पपड़ी है ना, पपड़ी के उस पार बिल्कुल क्लीन पानी है भाई, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम लीचन आई हुई है, बिल्कुल काली काली। इसके नीचे भाई बिल्कुल साफ पानी है, अगर हम पत्थर मार दें तो ये पपड़ी साइड में हो जाएगी, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि पानी कितना अच्छा है और कितना साफ सुथरा है। तो भाई ये किस्सा है जानी चोर का, जुड़ा हुआ है इस बावड़ी से, और भाई बहुत ही अच्छा किस्सा है, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें सुनाते थे जानी चोर के बारे में, और हमारी हरियाणवी जो रागनियाँ होती है उसके बारे में भी काफ़ी किस्से है जानी चोर के बारे में। जो बारात का किस्सा बताया जा रहा है ना भाई, अंग्रेज़ों के वक्त का है वो, और उस टाइम दिल्ली का कोई किस्सा है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के समय में एक बारात सुरंग के रास्ते दिल्ली जाना चाहती थी। कई दिन बीतने के बाद भी सुरंग में उतरे बाराती ने न तो दिल्ली पहुंच पाए और न ही वापस निकल पाए। तब से यह सुरंग चर्चा का विषय बनी हुई है भाई, ये बात तो सच है। ये हादसा यहाँ पर हुआ था, उसके बाद वो सुरंग यहाँ पर है लेकिन उस सुरंग को बंद कर दिया गया यहाँ पर। चलिए कुछ और दिखा देते हैं। और भाई बताया जाता है कि यहाँ पे भाई आज भी काफ़ी अरबों खरबों का धन अंडरग्राउंड है, और ये बताया जा रहा है कि ये काफ़ी खेतों के नीचे, काफ़ी फिट नीचे है ये गुफा, ऐसे ही नहीं है आपको ऊपर ऊपर दिख रही है ना, जितना ऊपर है ना इसका हिसाब किताब, उससे कहीं गुना ये नीचे जड़ बनाई हुई है भाई इस जगह ने। और चलिए कोई नहीं, ये था अपना भाई किस्सा ज्ञानी चोर की गुफा का, बावड़ी का, जो उससे ये रिलेट करती है और जुड़ी हुई है। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और आई होप आप लोगों को ये बावड़ी पहले से भी जानते होंगे इसके बारे में, और नहीं जानते तो आपको कुछ नया किस्सा सुनने को मिला होगा ज़रूर। तो मैं बता दूं, इसकी जो लोकेशन पड़ती है वो महम सिटी मान लीजिए, और महम सिटी के भिवानी रोड पर थोड़ा सा आगे चलोगे, लेफ्ट साइड में एक लोकेशन आती है, वहाँ पर ये लोकेशन है। और मैं आपको गूगल पे भी, आप जीपीएस में पता लगा सकते हो, आसानी से आपको मिल जाएगा ये रास्ता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करोगे, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या इंक्वायरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।